close your eyes, close your eyes, close your eyes. Open your eyes. Assalamu alaikum, Ramadan Kareem. तो आज जो है मैंने वीडियो जो लेके आया है वो किड्स की एक्टिविटीज़ के लिए है कि हम किड्स को भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं रमज़ान के टाइम में सो दैट उनको भी मतलब हर साल एक यू नो एनर्जी ऐसे उमनक रहे कि वो भी मतलब नेक्स्ट ईयर वेट करें रमज़ान के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. एंड जो भी मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं मैंने लाइक ओपन एंडेड रखी हैं कि आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं. मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड की थी तो मैं उस सब की लिंक प्रिंट आउट्स की या जो भी उस सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मेरे अपडेट्स होंगे मैंने आगे वीडियो में बताया वो सब जो है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे सॉरी इंस्टाग्राम पे रहेगा. तो इफ़ यू वांट टू सी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. सो ये बहुत बोरिंग पार्ट होता है कोई भी यूट्यूब वीडियो का. सो जस्ट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो भी बॉक्स है मेरे पास उसको मैंने कट किया है डायगोनल उसमें क्योंकि मुझे दो मास्क बनानी है इसलिए मैंने उसको कट किया. इफ़ यू वांट टू मेक वन देन ऐसे आप वन बना सकते हैं. ये अभी मैंने डोम एंड मिनरेट्स ड्रॉ किए हैं इसको कट करना है. ये देखिए बहुत अमेजिंग सा शेप आ गया इसका प्रॉपर. अब इसको फोल्ड करके आप इसको टेप से सिक्योर कर सकते हैं या आप ग्लू से सिक्योर करना चाहें तो ग्लू से कर लें. जैसा भी आपको जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है. एंड अब बेस के लिए मेरे पास ये फोम शीट्स मुझे मिली थी तो मैंने वो लिया. वो मैं एज अ बेस यहाँ पे लगाऊंगी. आप चाहें तो आपके पास बहुत ज़्यादा कार्डबोर्ड्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं जस्ट एक बेस बनाने के लिए. सो मैंने डबल टेप लगाया है टू सिक्योर अपना ये फोम बेस वहाँ पे सॉरी लगाने के लिए. उसको मैंने कट कर लिया था उसके शेप में एंड देन यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया. तो एक मैंने ब्लू लगाया है एंड एक लगाया है ब्लैक. सो ये मेरा मॉस दोनों रेडी है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बी तस्बीह बनाने की. मुझे बीड्स जो थे मुझे थोड़े बड़े चाहिए थे प्लास्टिक में भी चाहिए थे सो प्लास्टिक या वुडन सो दैट बच्चे ईजिली डाल पाए क्योंकि दोनों काफ़ी छोटी हैं. तो बट मुझे वो मिला नहीं तो मैंने तस्बीह फाइंड की जिसके होल्स काफ़ी बड़े थे एंड मैंने उसको कट कर लिया एंड उसी की थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ. उसके एंड को मैंने टेप लगा दिया है दोनों एंड में सो दैट नीडल की ज़रूरत नहीं पड़े एंड ऐसे ही वो डल जाए. इफ़ यू डोंट वॉन्ट दिस अगर आपके बीट के होल्स बहुत बड़े हैं तो आप शू लेस यूज़ कर सकते हैं कि उसके एंड में जैसे मैंने टेप लगाया उसमें ऑलरेडी होता है. सो ये थी हमारी सेकेंड एक्टिविटी. पर्सनल इनकी तस्वीर बनाने के बाद आप उनको दुआ याद करा सकते हैं बता सकते हैं उसको कैसे यूज़ करना. नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. ये मेरे पास एक बॉक्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसमें मुझे क्राफ्ट आइटम्स रखने थे बट ऑफकोर्स उसको थोड़ा डेकोरेट करना था तो मैंने जस्ट उसके टॉप पे ये ग्लिटर शीट है उसको मैंने स्टिक कर दिया ये ऐसे एंड मैंने बस नेम लगा के स्टिकर लगा दिया. सो ये जो है उनका क्राफ्ट बॉक्स बन गया है. इसमें मैंने पेंसिल हमने ले ली थी सब वन दिरहम की पेंसिल वन दिरहम के क्रेयॉन्स एंड ये जो स्टिकर्स हैं बहुत बिग शीट है उसको मैंने स्मॉल स्मॉल करके रख दिया है. उसमें ये ग्लिटर शीट से मैंने स्मॉल पीसेस कट कर दिए. ये पेजेस एक्स्ट्रा इनकी वर्कशीट्स में जो वाइट पेजेस बच जाते हैं तो मैंने उसको कट के स्मॉल कर दिया. तो लाइक इन अब उनकी इमेजिनेशन पे दे कैन ड्रॉ इट दे कैन स्टिक इट इन द बुक आई एम गोइंग टू गिव वो जो चाहे वो कर सकते हैं. तो एक मैंने बॉक्स बनाया था वन फॉर मिन्हा एंड वन फॉर नाज. ये नाज के लिए बॉक्स बनाया था. आप चाहें तो यू कैन बाय फाइल्स या बॉक्सेस फ्रॉम आउटसाइड बट मेरे पास जो अवेलेबल था तो मैंने उसी को थोड़ा सा डेकोरेट करके उनके बॉक्सेस बना दिए. नेक्स्ट एक्टिविटी है कलरिंग. सो ये न्यू वर्ड्स मतलब आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को. सो ये इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. इसमें अराउंड 18 पिक्चर्स हैं. सो इसको कलर करके दे कैन स्टिक इन द बुक और स्टिक ऑन द वॉल सो उनको याद रहेगा. लाइक जैसे ये बिस्मिल्ला है आपको बिस्मिल्ला बोलना है खाने के पहले हर चीज़ करने के पहले तो ऐसे आप उनको टीच कर सकते हैं.
सो फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी ये मैंने लैंटर्न्स कट कर लिए हैं, आप कोई भी शेप के कट कर सकते हैं इसको, आप जैसे मर्जी वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो टॉप में है आप होल पंच कर लें, उसको एज अ बैनर यूज़ कर सकते हैं, रमदान मुबारक, रमदान करीम, या आप डोर पे हैंग कर सकते हैं, आप बेड साइड बच्चों के हैंग कर सकते हैं, वॉल पे हैंग कर सकते हैं। सो एक ये अच्छी एक्टिविटी रहती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज क्रिएटिंग योर ओन जानमाज फॉर जो हमने मस्जिद बनाई है उसके लिए, बट अभी मिन्हा एंड नाज बहुत स्मॉल हैं इसके लिए, तो मैं इसको उन्हें ऐसे ही देने वाली हूँ सो दैट दे कैन जस्ट मॉस्क में वो डाल सकते हैं, बट ओल्डर किड्स कैन यू नो स्टिक लेसेस या जेम्स एंड उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी ये जो शीट्स हैं, ये कलरिंग शीट्स हैं, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, मैंने बहुत सारी प्रिंट कर ली हैं। मैंने ये टू बुक्स जो है स्टिकर बुक्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैंने वो मंगाई है सो दैट उनको यू नो इन्जॉय करें वो पूरा रमदान सीज़न विथ न्यू न्यू एक्टिविटीज़। नाउ फॉर दिस एक्टिविटी ये मैंने जर्नलिंग के लिए लिया है, उनकी रमदान का वो पूरा जर्नलिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये स्टिकर बुक भी ली है, तो ये मैं एक साथ उनको नहीं दूँगी ऑफकोर्स, मैं डेली थोड़ा थोड़ा पेजेस कट करके उनको दोनों को दे सकती हूँ। तो जैसे हमने शीट्स पहले मैंने बिस्मिल्लाह के दिखाई थी, उसको कलर करके दे कैन स्टिक हियर, साइड में कुछ और भी स्टिक कर सकता है। ये मैंने जानमाज के लिए कलरिंग एक्टिविटी बनाई है सो दैट इसको भी वो कलर कर सकते हैं, अभी जानमाज डेकोरेट नहीं तो उसको कलर करके उसको वो अगेन उसको स्टिक कर सकते हैं उनकी जर्नलिंग बुक में। जब हम ये सब बाय करें तो मीना वॉज वेरी एक्साइटेड, सो नाउ इट्स टाइम। आगे के जो भी अपडेट्स हैं, हमने मॉस कैसे डेकोरेट किया या हमने जर्नलिंग कैसे की, आप मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहूँगी तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, एंड डू शेयर माय वीडियोस। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, टेक केयर।